हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पीटीसी। पीटीसी दैट मीन प्यूक्टेनियस ट्रांसपेटिक कोलेंजियोग्राफी, जिसको अदर नेम अपन बोल सकते हैं इसको, पीटीएससी या पीटीसी। अपन इसके आज इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो इसके सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशंस की। ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर यूज टू विजुअलाइज द एनाटोमी ऑफ द बिलियरी ट्रैक्ट इन विच ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड इन टू ए बाइल डक्ट विद द गाइडेंस ऑफ फ्लोरोस्कोपी लाइव प्रोसीजर। इसमें क्या हो, एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर अपन बिलियरी ट्रैक्ट की एनाटोमी को विजुअलाइज करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हुए। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस की लाइव प्रोसीजर फ्लोरोस्कोपी की गाइडेंस में लाइव प्रोसीजर के अंदर इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इस बाइल डक्ट के अंदर अपन इंजेक्ट करते हैं। प्रीक्यूटेनियस का मीन होता है, मतलब होता है कि पंक्चर थ्रू स्किन, और ट्रांसपेटिक मीन पंक्चर थ्रू लीवर। दैट मीन इसका मतलब है कि अपन इसके अंदर जो नीडल डालते हैं वो स्किन और लीवर से होती स्किन से होते हुए लीवर के अंदर पंक्चर करते हैं इसके अंदर। इसके अब बात करते हैं अपने इसके इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस क्या है, हिपेटिक फर्स्ट हो जाएगा इसका, हिपेटोबिलियरी डक्ट कैलकुलाई, यानी कि दैट मीन जो हिपेटोबिलियरी डक्ट होता है उसके अंदर स्टोन हो या फिर कैलकुलाई स्टोन हो। सेकंड है इसकी पैलेस ए प्रीक्यूटेनियस स्टैंड, अपन को एक प्रीक्यूटेनियसली स्टैंड को प्लेसमेंट करना हो या ERCP फेल्ड हो तब उस केसेस के अंदर भी अपन PTSC करते हैं। और फोर्थ है इसका प्रायर टू बिलियरी ड्रेनेज प्रोसीजर, बिलियरी ड्रेनेज प्रोसीजर से प्रायर भी इसको किया जाता है। फिफ्थ है इसका कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, दैट मीन कोलेस्टेटिक जॉन्डिस दैट मीन कि जो लीवर से जो बाइल का सिक्रीशन होता है वो इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो नहीं हो पाता है इसके अंदर कोलेस्टेटिक के अंदर जॉन्डिस के अंदर। दैट मीन इसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बाइल डक्ट के अंदर। फिर इसका सिक्स पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्शन इन प्रोक्सीमल बिलियरी ट्री, प्रोक्सीमल बिलियरी ट्री के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर एक्सेस बिलियरी ट्री तक एक्सेस, बिलियरी ट्री की एक्सेस के लिए भी अपन इसको करते हैं। और एट हो जाएगा इसका डिलिनेट बाइल लीक्स, दैट मीन बाइल जो जूस होता है उसका लीक हो उसको प्रदर्शित करने के लिए भी इसको किया जाता है। अब इसके अपन बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशन में इसके जाएगा ब्लीडिंग डायथिसिस, दैट मीन ब्लड डज नॉट क्लोट प्रॉपरली, मतलब किन कंडीशन में इसको नहीं कर सकते, जब ब्लड का प्रॉपरली क्लोट नहीं बन पा रहा हो उसमें भी नहीं कर सकते इसको अपन। उसके बाद में है इसका बिलियरी ट्रैक्ट सेप्सिस, बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो बहुत ज़्यादा तो उसको बोलते हैं अपन बिलियरी ट्रैक्ट सेप्सिस, उस कंडीशन में भी इसको नहीं कर सकते। हाइड्रेटेड सिस्ट दैट मीन बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो विथ टेपरम सिस्ट के साथ, टेपरम सिस्ट बन गई हो और उसके साथ में इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट, उस कंडीशन में भी इसको नहीं कर सकते। एसाइड्स फ्लूड इन पेरिटोनियल कैविटी, दैट मीन बाइल लीक के होने के कारण जो फ्लूड होना है पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है, उस कंडीशन में भी इसको नहीं कर सकते। एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी हो तब भी नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी की स्टेज हो तब भी नहीं कर सकते। बींग अनफिट फॉर प्रोसीजर, अगर पेशेंट प्रोसीजर के लिए अनफिट हो तब भी इसको नहीं कर सकते अपन। ये इसका लीवर का डायग्राम है जिसके अंदर एक नीडल डालते हैं अपन यहाँ पर बिलियरी सिस्टम के अंदर, जो बिलियरी सिस्टम में यहाँ से ये चीबा नीडल डाले फिर उसे सिरिंज के थ्रू इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस लाइव प्रोसीजर के ड्यूरिंग दौरान। और ये गॉल ब्लैडर हो गया इसके अंदर, और ये अपना लीवर हो गया, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गई, और ये पेनक्रियाज हो गया। तो इसके एनाटॉमी हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसके अंदर आयोडिनेटेड वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ किया जाता है जो कि लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा यूरोग्राफीन 60%, मतलब यूरोग्राफीन का 60% सॉल्यूशन। इक्विपमेंट्स की बात करें अपन तो इसके इक्विपमेंट्स हो जाएंगे फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम, और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर स्पॉट फिल्म डिवाइस की आवश्यकता होगी अपन को, कैसेट्स की आवश्यकता, रेडियोग्राफी कैसेट्स की आवश्यकता है, चीबा नीडल की जो कि 20 गेज की होगी, और सिरिंज की आवश्यकता होगी, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, ये अपन को इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे इसके अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके पेशेंट की प्रिपरेशन। चेक्ड हीमोग्लोबिन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को चेक करना होगा हीमोग्लोबिन, ब्लड क्लोटिंग, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एंड प्लेटलेट्स, ये पेशेंट की अपन रिपोर्ट के अंदर चेक करेंगे। फिर उसके बाद में है अपन प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को,
उसके बाद में थर्ड है अपन उसको नथिंग बाई माउथ, मतलब उसको NBM 5 hours प्रायर टू एग्जाम, मतलब एग्जाम से 5 घंटे तक पेशेंट को कुछ नहीं खाना। उसके बाद में अपन को पेशेंट को सीडेटिव्स दे सकते हैं जिससे पेशेंट को पेन फील नहीं हो। उसके बाद में प्रोसीजर की बात करते हैं अपन, इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें IV कैनूला इंसर्ट किया जाता है कोई इमरजेंसी मेडिकेशन के लिए। उसके बाद पेशेंट पोजीशन ऑन टेबल, पेशेंट को पोजीशन लगाई जाती है टेबल के ऊपर, पेशेंट को पोजीशन किया जाता है। उसके बाद प्लान्ड पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ नीडल बाई USG गाइडेंस, दैट मीन जो USG के गाइडेंस के अंदर इसमें जो एंट्री नीडल का एंट्री पॉइंट होता है उसको प्लान किया जाता है। फोर्थ है इसका पंक्चर द साइट स्किन क्लीनड, पंक्चर द साइट स्किन क्लीन विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो पंक्चर साइट होती है ना उसकी स्किन को क्लीन किया जाता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और लोकल एनेस्थीसिया उस पर अप्लाइड किया जाता है। उसके बाद में सिक्स पॉइंट है इसका सस्पेंडेड रेस्पायरेशन ड्यूरिंग चीबा नीडल इज इंसर्टेड प्रिकुटेनियसली इन टू द बिलियरी सिस्टम, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि जब अपन बी जो चीबा नीडल है उसको अपन इंसर्ट कर रहे हैं प्रिकुटेनियसली, तो पर पेशेंट को अपन को कहना होगा कि वो रेस्पायरेशन को सस्पेंड करके रखे, थोड़ी देर कुछ देर के लिए रोक के रखे। सिक्स पॉइंट हो जाएगा इफ़ नेसेसरी ए सैम्पल कैन बी ऑब्टेन एंड पिक्चर आर टेकन, अगर आवश्यकता हो तो अपन एक उसमें से एक सैंपल ले लेंगे फॉर पैथोलॉजी के लिए और बाद में इसके पिक्चर्स लेंगे इसके अंदर। सेवन पॉइंट हो जाएगा मतलब इसकी पिक्चर्स नहीं ले सकते हैं उसके बाद में अपन। सेवन पॉइंट हो जाएगा इफ नेसेसरी स्टेंट इंसर्टेड ओवर ए ब्लॉकेज, अगर बाइल डक्ट के अंदर ब्लॉकेज है तो उस कंडीशन के अंदर अपन स्टेंट को भी इंसर्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके फिल्मिंग की, तो फिल्मिंग कौन कौन से व्यू लिए जाते हैं इसके। तो फर्स्ट होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू, 45 डिग्री RPO राइट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू, लेटरल व्यू जो कि राइट साइड का होता है बिकॉज जो जो अपना लीवर होता है वो लेटरली राइट साइड के अंदर होता है। फिर उसके बाद में इसका जो है राइट एंड लेफ्ट ओब्लिक। इसके आफ्टर केयर की बात करें तो उसके अंदर पेशेंट को वाइटल साइंस के साथ वाइटल साइंस को मेजर करना चाहिए रेस्ट रूम के अंदर और उसको बेड रेस्ट के लिए कहना चाहिए पेशेंट को। तो ये हो गया अपना PTC प्रीकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। तो इसके अपन ने इसमें बात की है इसके डेफिनेशंस की, इसके इंडिकेशंस की, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, इसके इक्विपमेंट्स की और इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, पेशेंट प्रिपरेशंस और प्रोसीजर, फिल्मिंग और आफ्टर केयर। तो थैंक यू सो मच।